चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें ये एक चैप्टर अब हम लोग खत्म कर चुके थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज बात करनी है हमें अम्ल क्षारक और लवण, ये इस किताब का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। और याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यहाँ मेरा हर बार विकल्प कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप कोई परीक्षा पास कर सकते हैं। हो सकता है, देखिए इसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस अगर आप पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। और आपको जितनी भी आईएएस और पीसीएस के लिए बुक्स जरूरी है उन सभी को हम लोग कवर भी कर रहे हैं। कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की कवर भी कर चुके हैं और उसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं, अम्ल क्षारक और लवण। आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार को कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका या फिर बेकिंग का सोडा। देखिए, अम्लीयता से अम्ल यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं खट्टा, और लवण यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं एक कैसा होता है कड़वा, कैसा होता है कड़वा, ठीक है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इस जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थ की जांच की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विष का काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें चक्कर नहीं बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। इसके लिए कई विधियां होती हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लेटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे? नीले लेटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये इसकी एक तरह से पहचान है अम्लों की, ठीक है। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। यह लाल लेटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक तो आप देखेंगे कि अगर वो विष नहीं है, यानी कि इस तरह के कई पदार्थ होते हैं जिन्हें खाने से आपको नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसे पदार्थों को तो आप लोग इस तरह के लेटमस का पत्र का यूज करके बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षार। या फिर आप चक्के, अगर वो पदार्थ खराब नहीं है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है तो आप चक्कर भी बता सकते हैं, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनॉल थिलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। याद रखिए, आपने देखा होगा कि कई लोग एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ा देते हैं। ऐसा करना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि एक हम दोनों मिलकर काम करें तो बेहतर रहेगा। कि देखिए, अब एक नोट्स बना के, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के आपके सर से ऊपर से गुजर जाए, ऐसा ना करते हुए हम लोग एक मतलब बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, यही सोचकर कि ना तो मुझे कुछ आता है ना ही आपको कुछ आता है। अगर आपको कुछ उसमें लगता है कि नहीं, इसकी व्याख्या और अच्छे तरीके से हो सकता है, या फिर आप साइंस से बैकग्राउंड से हैं, आपने आगे भी साइंस पूरी तरह से समझ में आती है आपको, तो आप भी नीचे, आप ऑप्शन खुला हुआ है आपको, आप भी उसका वर्णन कर कर बता सकते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप दोनों, हम सब मिलकर काम करेंगे एक परिवार की तरह। अब बात करते हैं लिटमस। विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के निचेन पौधे से निकाला जाता है। क्या? लिटमस। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है, एक तरह से उदासीन होता है। तब इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी का।
बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइडेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या फिर कभी कभी केवल सूचक कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, याद रखिए इस तरह के जो भी प्रयोगशाला की बात की जाए, क्रियाकलाप की बात की जाए, तो इसमें आपको सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे अच्छे से एक दो बार पढ़ सकते हैं आप लोग, निकल सकते हैं। आपको ये सामग्री नहीं इकट्ठी करने लगना है कि आप प्रयोगशाला बना के रख लें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो कक्षा 10वीं की इस बुक्स को पढ़ेगा उसके लिए ये बताया गया है। ठीक है, यानी कि जो कक्षा 6 10वीं में होगा। क्रियाकलाप 2.1 को लेते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इन सूत्रों को जरूर आप याद रख लीजिए क्योंकि कई बार शॉर्ट में ही सूत्र लिखे जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कोष्टक OH2 आधार में 2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg कोष्टक OH आधार 2 एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्रित कीजिए। अब देखिए आप इनके सबके एकत्रित करने लगेंगे तो आपके पास, मुझे लगता है कि हमें पढ़ते पढ़ते 2 साल निकल जाएंगे इस तरह का काम किए, क्योंकि उनके पास एक प्रयोगशाला होती है स्कूलों में। आप देखते हैं तो वो आसानी से टीचर करवा देते हैं, लेकिन हम लोगों के पास इस तरह की सुविधा नहीं है। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए। सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों में से उनकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनॉल, फेनॉल पिथेलियम और मैथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है। अपने प्रेक्षण को सारणी 2.1 में लिखिए। बार बार मैं बोल रहा हूं कि इस तरह का हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, और ये अगर आप करते तभी आप इस सारणी को भर सकते थे, इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ आ जाना है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय क्षारकीय माध्यम से में भिन्न होती है, इन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। क्रियाकलाप 2.4, बारीक कटी हुई प्याज या स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैली को कसकर बांध लीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। इसे स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें से 1 टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH की विलयन की कुछ बूंदें डालिए। दोनों टुकड़ों को जल में धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण को लीजिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए और इनके इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरे में तनु NaOH का विलयन की लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इस प्रकार तनु HCl और तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। अब देखिए इसमें आप अगर करते क्रियाकलाप, आप प्रयोगशाला का उपयोग करते, मुझे लगता है कि तभी आप बेहतर तरीके से समझा सकते थे। लेकिन जितना भी आपको समझ में आए, जो भी समझ में आए, आप पढ़िए और निकलिए। ठीक है, अब आपका अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.3, चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण उपस्थित कीजिए। एक पनाख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए और इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रभावित कीजिए। और साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले आइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं। कुछ अम्ल जैसे HCl, HNO3
CH3COOH के साथ एक क्रियाकलाप दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में अपेक्षण समान या भिन्न होता है। इसे देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ए आपकी क्या हो गई? स्ट्रेन। ए क्या हो गई? परख नली। इसमें क्या भरा हुआ है? ए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। फिर ए आप देख रहे होंगे टुकड़े टाइप के, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं। ए यही आपको हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद ए आपकी प्रवाह नली हो गई। इसके बाद ए साबुन का विलयन, ऊपर ए आप देखेंगे हाइड्रोजन के भरे साबुन के बुलबुले, ए मोमबत्ती, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस का दहन, फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु और अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और ये एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, अम्ल प्लस धातु एक क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपके अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। अम्ल और प्लस धातु मिलकर लवण भी बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस भी देंगे। अब क्रियाकलाप 2.4 को भी देख लेते हैं। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए और अपने परीक्षण को कीजिए। इस तरह की बात की जा रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के गुजर। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, किस तरह से? 2NaOH प्लस Zn, ये अभिकारक होगा। इस तरफ आपके Na2, ZnO2, ये आपका सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंकेट, और ये आपका ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। अब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसे भी देख लीजिए। क्रियाकलाप 2.5, दो परख नलियां लीजिए, उन्हें ए और बी से नामांकित कीजिए और परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 लीजिए और परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 लीजिए। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl लीजिए। अब आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैसों को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रभावित कीजिए और अपने निरीक्षण को अभिलक्षित कीजिए। इस तरह से एथेसेल फनेल की ए स्टैंड हो गई, एक कॉर्क हो गई ऊपर। ये आपका क्या है? हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2। ये आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है। ये परख नली हो गई, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, टुकड़ों के रूप में दिख रहा होगा आपको। ये निकास नली, ये परख नली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हो गया, ये दिख रहा है भरा हुआ। उपयुक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जा सकता है, परख नली ए Na2CO3 प्लस 2HCl ए अभिकारक होगा इस तरफ, और इस तरफ उत्पाद के रूप में आपको 2NaCl और प्लस H2O और CO2, ये जल और आपको कार्बन डाइऑक्साइड इसके उत्पाद के रूप में भी मिल रहे हैं। परख नली बी में देखेंगे NaHCO3 प्लस HCl, यहाँ आपकी NaCl देगा उत्पाद के रूप में H2O CO3, ठीक है। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर जो यहाँ आपने देखी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिली ना, इसे चूने के पानी से प्रभावित यानी कि उसके साथ मिलाने पर क्या होगा? CH2, ये चूने का पानी हो गया, प्लस CO2, ये दोनों आपके अभिकर्मक हैं। इस तरफ आपको श्वेत और छेद CaCO3 और H2O जल, ये आपके उत्पाद मिल रहे हैं। अतिरिक्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होगी, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके अभिकर्मक हैं। अब यहां देखें जल में विलयनशील CA
कोष्टक एस सीओ थ्री आधार में टू है इसका। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातुएं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, ये क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, अब बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.6, याद रखिए बड़ी बोरिंग है ये, मैं भी मानता हूं इसलिए क्योंकि अगर हम लोग प्रयोगशाला में बैठे होते तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है चैप्टर, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है इसलिए बड़ी बोरिंग लगती है। फरक नली में 2.2 ml NaOH का घोल लीजिए, उसमें 2 बूंदें फिनॉल फ्थेलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन में लाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, अम्ल मिलाने के बाद फिनॉल फ्थेलीन का रंग क्यों बदल गया। अब उपयुक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए, क्या फिनॉल फ्थेलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया है, आपके विचार में ऐसा क्यों होता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में हमने परीक्षण किया है कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षिप्त प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, NaOH प्लस HCl एक क्रिया करके NaCl बनाएंगे और H2A यानी कि जल बनाएंगे। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। सामान्यता उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखते हैं, क्षारक प्लस अम्ल ये क्या है आपके अभिकारक, इस तरफ क्या मिल रहा है लवण प्लस जल, ये आपकी उत्पाद के रूप में मिल जाए। अब बात करते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया है। क्रियाकलाप 2.7, बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रो कैलोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एक क्या देगा, लवण देगा और प्लस जल भी देगा। अब उपयुक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक क्षारक है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या अधात्विक ऑक्साइड किस तरह के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं आपके, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी देख सकते हैं आपको। अब है आपका सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है, इन दोनों में क्या समानता है। अनुभाग 2.1 में हमने देखा है कि सभी अम्लों के समान रासायनिक गुण होते हैं। सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है। सभी अम्लों में क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। सभी अम्ल कैसे होते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म के होते हैं। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.8, ग्लूकोज एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीलें लगाकर कॉर्क को 10 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रभावित कीजिए। इस प्रक्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या परीक्षण किया है, इन परीक्षणों को ग्लूकोज
एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया है? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? इसे चित्र को देख लीजिए। जल में अम्ल विलयन विद्युत चालन करता है। 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, बल्ब, स्विच, बीकर, एक कीले हो गए, तनु अम्लीय विलयन हो गया और ये आपका रबर का कॉर्क हो गया। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 3.2.3 में दिखाया गया इसमें। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करती, यानी कि इससे विद्युत नहीं गुजर सकती है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ और ऋणायन जैसे HCl में Cl-, HNO3 में आप देखेंगे NH3-, CH3, COOH में देखें मैं आप लोग CH3, COO, ऋणायन, H2SO4 में देखेंगे SO4 की पावर 2-, होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+, इसके ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है और इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस पर भी देखते रहिए। बड़ा बोरिंग लगता है, हकीकत मानिए मुझे भी लगती है ये। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है? क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी भी जांच कर लेते हैं। क्रियाकलाप 2.9। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए और चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण उपस्थित कीजिए। इनकी बात की रही, परख नली में कुछ मात्रा में सान सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया है? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे और नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? शुष्क HCl और HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश, यह जलवायु अत्यधिक आद हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रभावित करनी होगी। पता है, एक तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है इसका कि हम लोग इसे छोड़कर कुछ बिना पढ़े कुछ कर दें, इसलिए पढ़िए और लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है उसे अच्छे से ध्यान से दे लीजिए, दे लिया करिएगा, ठीक है। HCl गैस का निर्माण, ये आप देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड वाला रक्षक नली है, इसे आप देखिए, परख नली पकड़ने वाला चिमटा, ये परख नली है। निकास नली, ये आपको फोर्क दिख रहा है, ये निकास नली, आध लिटमस पत्र हो गया। इसे दूसरी को देखिए आप लोग, परख नली हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया ये भरा हुआ, ठीक है, और ये चिमटा हो गया परख नली और डॉपर H2SO4 से भरा हुआ है, ये दिख रहा है। इस पॉइंट को जरूर अच्छे से पढ़ लिया करिएगा जब भी इस तरह की क्रियाकलाप आते हैं। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। यहां देख सकते हैं HCl+ H2O, ये आपका क्या है, अभिकारक। इस तरफ आपके उत्पाद बनेगा H3O+ आयन और Cl- आयन, ऋणात्मक। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन से दर्शाया जाता है। H+ H2O इस तरह से आप लिख सकते हैं H3O+ आयन। हमने देखा है कि अम्ल जल में H3O+ आयन अथवा H+ आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। NaOH H2O ये जल है, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, Na प्लस OH माइनस, KOH ये H2O जल में घुला है, K प्लस आयन, OH माइनस आयन, इसी तरह से देखते हैं। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या सभी क्षारक जो क्षार हैं ये जल में घुलनशील नहीं होते आपके? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है
और तथा प्रकृति संचारण होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। साइनी 2.1 में कौन कौन से क्षारक हैं? अब हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक क्या क्या देंगे? लवण और जल। अब चलते हैं क्रियाकलाप 2.10। सांद्र अम्ल एवं क्षारक वाली बर्तन में लगे चेतावनी की चिन्ह। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। इसमें कुछ बूंदें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है? यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है? उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए हमें। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर में उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ जा सकता है और आप जल भी सकते हैं, इसलिए सावधानी भी रखें। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है कांच का पात टूट भी सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कैप यानी कि डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। इस तरह की चेतावनी भी लिखी रहती है। जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में पीति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण। यह अम्ल एवं क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, ये आपके क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि बताया जा सकता है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। पिछले अध्याय में हमने H+ और अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे आप लोग pH स्केल कहते हैं। आपसे भी तो पूछ लिया जाता है कि आपके खून का pH मान क्या है, आप बता देते हैं 7.4। तो इस तरह से एक स्केल दी जाती है, इस पर 14 अंक होते हैं। कितने? इस pH में आप P देखेंगे, पुसांस, जो एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। और इस pH स्केल से सामान्य शून्य अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीयता तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। क्या उदासीन का क्या मान होगा? 7 यानी कि 7। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, यानी कि इस तरफ देखिए, ये आपका 1 से 14 तक दी गई है। इसमें आप इस तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी और इस तरफ आप देखेंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, तो अम्लीय विलयन होगा। और यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक बात और याद रखिए, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है उदासीन कितने नंबर पर होता है, तो ये 7 यानी कि 7 पर, ठीक है, यहां से आप लगा सकते हैं। यहां आप देखिए, कुछ सामान्य पदार्थों के pH को pH पत्र पर दिखाया गया है, रंग केवल रंग मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं।
देखिए जठर रस, इसका एक से जीरो से एक के बीच रहेगा, लगभग आप देख सकते हैं 1.2। और नींबू का रस की बात करें तो 2.2। और शुद्ध जल की बात करूं तो ये उदासीन होता है 7। और रक्त की बात, अभी जो ब्लड की बात की थी, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 पीएच मान इसका होगा, कितना 14। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और अथवा तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर या विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कैसे? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जब कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि दुर्लभ और प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अब बात करते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। कितना? पीएच स्केल पर आप देखेंगे 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर काम करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल को के पीएच मान का कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तर जीविता कठिन हो जाती है। शुक्र एक ग्रह है, वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। ठीक है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान आप सुनते भी रहते होंगे कि मिट्टी का पीएच मान, इस मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, उस मिट्टी का पीएच मान क्या होता है। एक अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.12 यानी कि 2.12 के अनुसार उसके पीएच की जांच कीजिए और इस बात पर ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। याद रखिए जब मिट्टी की आपकी गुणवत्ता जांच की जाती है तो तभी इसी को ज्ञात किया जाता है, इसी के आधार पर कह दिया जाता है कि ये फसल यहाँ इस तरह से फसल होगी और इतना बेहतर मतलब कर सकती है। इसलिए आपने देखा होगा किसान लोग भी मिट्टी का गुणवत्ता की जांच करवाते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2.12 यानी कि 2.12 को देख लेते हैं। एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए, उसमें 5 ml जल मिलाइए। परख नली को की सामग्री को हिलाइए, सामग्रियों को छानिए और परख नली में निस्संदन एकत्रित कीजिए। सार्वित्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्संदन को पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपका क्या निष्कर्ष निकाला है? अब बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। आपच की स्थिति में उदय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण आप देखते हैं कि उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति यानी कि दर्द के उपचार के लिए एंटीसिड जैसे छालकों का उपयोग भी हम करते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटीसिड अम्ल की सक्रिय अधिक मात्रा को उदासीन करता है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्लभ क्षारक का उपयोग किया जाता है। एक तरह से आप कह दीजिए कि जैसे अधिक अम्ल एक तरह से इसके द्वारा उत्पन्न कर दिया जाता है तो उसे एक सीमित यानी कि उसे उस दर्द को रोकने के लिए उससे जो दर्द होता है तो एक तरह से आप क्षारकों का उपयोग कर सकते हैं और उसे संतुलित कर सकते हैं। पीएच परिवर्तन, पीएच मान के परिवर्तन के कारण दंत क्षय यानी कि दांत को छलना, दांतों का गिरना, मुहे के पीएच मान का मान 5.5 यानी कि 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय यानी कि गिरना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल दत्तबल कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है लेकिन मुहे का पीएच मान
5.5 यानी कि 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करने करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो यानी कि आपको एक डॉक्टर भी बनाने की कोशिश में लगे हुआ है। फिर आपका पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि दर्द और जलन का अनुभव होता है हमारे शरीर में। आप जिनने देखा होगा जब मधुमक्खी काटती है तो एक डंक छोड़ती है। बिच्छू को भी आपने देखा होगा। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षारकों का उपयोग से हम लोग आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले वाले बाल मेथेनोइड अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव हमें होता है। अब बात करते हैं प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पदार्थ पादप है जो जंगलों में उगता है। इससे पत्तों में डंकनुमा बाल होता है, इसकी बात कर रहा हूं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है हमें। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप यह जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना है। एक बात और याद रखिए, ये पौधे आपको हमेशा किस क्षेत्रों में मिलेंगे? जहां की मिट्टी अम्लीय प्रकार की होगी, ठीक है? तो ये अपनी प्रकृति के हिसाब से उगते हैं। कुछ आपके प्राकृतिक अम्ल हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत हो गए, अम्ल हो गए, सिरिका, एसिटिक अम्ल। इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में अधिक बार पूछे गए हैं। क्या वनडे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं? सिरिका एसिटिक अम्ल, संतरा में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सेलिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, नींबू सैटिक अम्ल, चिंटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल, ये सभी आपके इनमें पाए जाते हैं, ठीक है? याद रखिए, आपके भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि चार दे देगा आपको क्रम लगाने के लिए बोल देगा, तो आप भी इस तरह से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भाग में हमने विभिन्न अपक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इसके निर्माण गुणधर्म और उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। लवण परिवार क्रियाकलाप 2.13। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिसके उपयोग लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या फिर ऋण मूलक वाले लवणों को एक परिवार कहा जाता है, जैसे NaCl और Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। अब है आपका लवणों का pH मान। इन्हें आप पढ़ते निकल जाइएगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग ज्यादा दिमाग खपाएंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्रित कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो। अब इन्हें आप एकत्रित करेंगे तो मुझे लगता है कि इसी में हमारा टाइम खराब हो जाएगा। जल में इनकी विलेयता की जाँच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। लैटमस पर इन विलेयों की क्रिया की जाँच कीजिए और pH पेपर का उपयोग कर इसके pH मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय और क्षारीय या उदासीन है? लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए। अनपेक्षणों की सारणी इसमें भर सकते हैं अगर आप प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं तो। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण की बीच के pH का मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के बीच pH का मान कितना होता है? 7। ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक के लवण के pH का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है और ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्लभ अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है, ये क्षारीय होते हैं।
याद रखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो 14, मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ 0 से 14 तक संख्या दी गई, तो इस तरफ आप बढ़ेंगे 0 की तरफ तो अम्लीय प्रकृति का रहेगा, और इस तरफ बढ़ेंगे आप लोग तो क्षारीय प्रकृति, और 7 पे आपका उदासीन है। सीधे साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर की क्रियाकलाप में हम आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। कैसा है? उदासीन है। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण गुणे होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है और विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टलीय अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज नमक। या खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। एक समय आपने देखा होगा ना कि गांधी जी नमक सत्याग्रह, उसी की बात। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? इसे एक और आपके क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि नमक को ही इस तरह का क्यों चुना गया था इसमें, नमक सत्याग्रह मतलब कि यार तू स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि नमक आप सोचिए कि सबकी जरूरत है। एक समय हो सकता है कि हम लोग आपका शक्कर के बिना काम चला लें, लेकिन कभी आप लोग नमक के बिना खाना खा के देखिए, अभी आप कभी फास्ट रखते हैं यानी कि उपवास रखते हैं, तो नमक कितना जरूरी होता है उस समय आपको पता चलता है। ठीक है, तो एक कॉमन था, सबके लिए जरूरी था, और आप हमेशा याद रखिए किसी धर्म का प्रतीक भी नहीं था। कल मालूम है कि किसी और को लेता प्रतीक लेते और वो हिंदू धर्म से जुड़ जाता या मुस्लिम से, तो एक धड़ बढ़ जाता, समझ रहे हैं? तो एक कॉमन चीज ली जाती थी जो सबके बीच रहे। साधारण नमक के रसायनों का कच्चा पदार्थ, इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के लिए कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बॉसिंग सोडा, ब्रंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण में लवण से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। 2NaCl+2H2O और ये आपका उत्पाद क्या देगा? 2NaOHCl2+H2। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पर आपकी दिखाई देगी। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 में इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणु नाशक, CFC कीटनाशक, Cl2। नमक का घोल देख रहे होंगे आप लोग, ए एनोड ए कैथोड। जब भी आप बैटरी कभी भी इस तरह की यूज करते हैं तो उसमें दिखाई देता है आपको। H2 ईंधन, मार्गरीन खाद्य के लिए अमोनियम। याद रखिए हाइड्रोजन गैस को हम लोग भविष्य की ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। नमक का घोल NaOH के साथ धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए साबुन और अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि एक तरह से जो भी यहाँ उत्पाद में के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, इन तीनों भी ये उत्पाद उपयोगी हैं और हम इनका उपयोग करते भी हैं। एक क्वेश्चन से भी यहाँ से भी आपका आता रहता है। विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि Ca+CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठित काफी जटिल होती है। ये आपके इस तरफ का अभिकारक हो गया, इस तरफ आप देख रहे हैं ये विरंजक चूर्ण आपका हो गया CaOCl2 और H2O जल हो गया आपका। विरंजक चूर्ण का उपयोग की अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनिन के विरंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में
लकड़ी के मज्जा और लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है एक आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी आदि बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी हम लोग करते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में करते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये आपके अभिकारक हैं। इस तरफ आपके उत्पाद मिले NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2.14 यानी कि 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच के मान की जांच की है? क्या आप यह सह संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्लभ आस संचारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। क्या NaHCO3 ऊष्मा यानी कि ताप 21 में बदल रहा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जल भी मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी से मिल रही है आपको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का अगर उपयोग की हम लोग बात करें तो बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा कि एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। क्या NaHCO3 प्लस H+ आयन, ये आपका CO2 और H2O अम्ल का सोडियम लवण, ये आपको उत्पाद के रूप में मिलता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या फिर केक में खमीर उठाया फूल उभार जा सकता है। इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डबल रोटी बनाई जाती है, पाव रोटी बनाई जाती है, ये फूली टाइप की रहती है। ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही फूलती है। रोटी को भी आप लोग देखते हैं जब तवे पर आप लोग पकाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटीसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में भी किया जा सकता है। और कार्बन डाई CO2 और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी तो आप लोग करते हैं अग्निशमक यंत्रों में। फिर आपका धोने का सोडा, पता है इसका, मैं जब 10th में पढ़ता था सर, तब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा गया था कि धोने का सोडा का सूत्र क्या है। Na2CO3 10H2O धोने का सोडा एक अन्य रासायनिक जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। देखिए इस तरह से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O यानी कि जल, ये क्या करेगा Na2CO3 10H2O, यह है आपका धावन सोडा, धोने का सोडा। 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह Na2CO3 को आत्म बनाता है? हम इसका जवाब आगे पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी है। अगर हम धोने के सोडे के उपयोग की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी लोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये आपके उपयोग है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तविक में शुष्क हैं? तो चलिए इस क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? क्वथन नली में क्या जल की बूंदे नजर आती है? ये कहाँ से आई है? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2 से 3 बूंदे डालिए। आप क्या अपेक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? इसे क्रिस्टल आप देख रहे होंगे 2.9 चित्र में।
क्रिस्टल का जल हटाना, ए बर्नर यानी कि बर्नर हो गया, ये आग दिख रही है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, जल की बूंदे, क्वथन नली और ये पकड़ने वाली सनसी हो गया। चलिए इसके मेन निष्कर्ष पर हम लोग चलते हैं, इन लाइनों को बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोओगे तो क्रिस्टल का जो नीला रंग वापस आ जाता है। लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O, यानी कि जल के 5 अणु। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आद्य है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है, इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र आप देखेंगे CaSO4 2H2, यानी कि यहाँ आपके अब ऑक्स जल के कितने अणु दिख रहे हैं? 2, आगे आप देख रहे हैं। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O, तो इसके 2 अणु हैं। अब हम लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह है जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4 × 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। कई बार पूछ लिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस लिए करते हैं, तो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही ढंग जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये इसका सूत्र हो गया CaSO4 × 1/2H2O + 1/2H2O। ये अभी कर्मक है, इस तरह आपको CaSO4 2H2O जिप्सम प्राप्त हो रहा है उत्पाद के रूप में। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा है होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी देख सकते हैं। आपने क्या सीखा? सबसे जरूरी ये आपका एक तरह से निष्कर्ष होता है पूरे चैप्टर का। चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण भी होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका रेड आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की जांच pH यानी कि 0 से 14 वाली स्केल होती है, इसके उपयोग से की जा सकती है जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप करता है। एक उदाहरण उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम और क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अम्लीय प्रकार के पदार्थ होंगे उनका मान 7 से कम होगा और जो क्षारीय प्रकृति के विलयन होंगे पदार्थ होंगे उनका मान 7 से अधिक होगा pH स्केल पर। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा होती है। सांद अम्ल या फिर क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन को जल कहते हैं।
हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उद्योग उपयोग होते हैं दोनों। ठीक, तो ये थे आपका इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए गए। देखिए, अगर बेहतर, मेरा यही मानना है कि अगर इन्हें आप लोग खुद से पढ़ लें तो सही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रयोगशाला नहीं कि आपको समझा सकूं अच्छे से। बस मैं भी वही थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की, देखिए, इस तरह से आप पढ़कर जल्दी इसे निकल सकते हैं, बिना दिमाग ज्यादा लगाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, और इसीलिए आपकी टेलीग्राम पर पूरी PDF डाल दी गई कि आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर था, अम्ल क्षारक एवं लवण। आगे हम बात करेंगे धातु एवं अधातु के बारे में। ये हमारा तीसरा चैप्टर है।